इकबाल अहमद, तनवीर हुसैन, मुजफ्फर अहमद के नेतृत्व में कश्मीर के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने जिला मुख्यालय गांदरबल का दौरा किया और गांदरबल में समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत की। समिति का स्वागत वरिष्ठ कांग्रेस नेता अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गांदरबल साहिल फारूक ने किया और जिला कार्यकारी अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इकबाल काजबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेख एजाज आदि कई लोग भी मौजूद थे। जिला ब्लॉक निकाय गांदरबल व्यापारी विलो विकर श्रमिक नाला सिंध मजदूर ऑटो रिक्शा कांग्रेस महिला कल्याण फल उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि मंडलों ने कांग्रेस घोषणा पत्र समिति से मुलाकात की और चर्चा की। वहीं मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए मीर इकबाल सह अध्यक्ष कांग्रेस घोषणा पत्र समिति ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक राज्य को डाउनग्रेड करने के 5 साल बाद राज्य के हुट की बहाली में देरी पर चिंता व्यक्त की। वहीं इसके बजाय यूटी में हमारे छूटे हुए अधिकारियों को छीन लिया गया और उपराज्यपाल में निहित कर दिया गया। यहाँ पे नोट डाउन करा दिया और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था जो नाला सिंध पे, यहाँ पे गंगरहाम जगह एक है, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे ड्राइवर से हमने बात की, यहाँ पे जो लेबर से जो एक्सपीरियंस यहाँ पे सैंड नाला सिंध से करें उनसे बात की, उनके जो भी मसाइल है, उनके जो भी इस वक्त जो मुसीबतें आई है 2014 के बाद, उन्होंने अपने हाल हमें बता दिया और हमने वो नोट डाउन किया और इंशाल्लाह आपके माध्यम से भी और हम ये बताना चाहते हैं इनको भी और जो भी लोग इनको इस पे इस वक्त सुन रहे हैं उनको कहना चाहते हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो इस बार जो मैनिफेस्टो होगा वो पीपुल्स मैनिफेस्टो होगा। जो लोग डिमांड अपनी देंगे वो हमारे मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और जब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह जब कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस सरकार उन वादों को पूरा करेगी। यहाँ के जर्नलिस्ट आप खुद जानते हैं कि जिस जगह पे हम आज खड़े हैं ये गंगरहामा है, यहाँ की जो छोटी मोटी आबादी है इनका पूरा दारमदार इसी दरियाए सिंध के, चाहे रेत पे बोल्डर पे, इसी दरियाए सिंध पर है। आज जो कि हमारे छोटे भाई और हमारे को चेयरमैन और इनके साथ इनके मेंबर्स तनवीर हुसैन खान साहब और हमारे कुरैशी साहब, जिनको ये जिम्मेदारी मिली है कि वो जिला गांदरबल के उन तमाम लोगों से मिले जिनको मुश्किलात है, जिनको परेशानियां हैं और राहुल जी चाहते हैं, चाहे वो एसटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ओबीसी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आम लोगों की दिक्कतें हैं। और आज अभी इससे पहले हमारी एक मीटिंग जो ऑफिस में हुई, हमारे ब्लॉक सुदूर साहिबान जो पूरे जिले से आए थे उन्होंने अपने मां बात कमेटी के सामने रखे और कमेटी ने चाहा कि हम जाकर यहाँ के जो मजदूर है जो इस वक्त आपने देखा काम कर रहे हैं, पानी में है, पूरे इनके कपड़े भीगे हुए हैं, अपने इस मजदूरी से अपने जो घर का किचन चलाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं और इनको जो 5 महीने से प्रॉब्लम है जो आप हमेशा देखते हैं, जो कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी हमेशा सड़कों पर गवर्नमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि आप इन लोगों के लिए एक पैकेज का ऐलान करें, एक रिलीफ पैकेज का ऐलान करें, क्योंकि ये 5 महीने से बैठे हैं। इसके साथ इनका भी शुक्रिया और मैं कमेटी का शुक्रिया करता हूं और राहुल जी का शुक्रिया करता हूं और अपने स्टेट की जो हमारी क़यादत है उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने एक टीम को यहां भेजा जिन्होंने खुद ये देखा और इंशाल्लाह इन्होंने पेन डाउन किया, ये बिल्कुल हमारी आला क़यादत और राहुल जी तक ये चीज़ें पहुँच जाएगी और हमारे इस मुश्किल का अजाला होगा।